दोपहर बच्चों, शुभ दोपहर। हाँ, कल हम तीसरा पार्ट पढ़ रहे थे ना, संतुलित भोजन, है ना। तो संतुलित भोजन में उसमें कुछ पोषक तत्व मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से है वो? हाँ, पोषक तत्व कौन कौन से बताओ ना। प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो एक एक करके हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने प्रोटीन के बारे में जाना था कि प्रोटीन में कौन कौन सी चीजें आती है और कौन कौन सी चीजों का हमें सेवन करना चाहिए। ये देखिए इस पिक्चर में दूध, अंडा, दही, मांस, दालें और गेहूं के बारे में आपको बताया था कि सारी चीजों का हमें सेवन करना चाहिए। और हमारे भारत देश में ही जो दालें हैं, जो सीरियल्स है, वो उसको उगाया जाता है, ठीक है। और हमें दूध और दही का सबसे ज्यादा प्रयोग करना चाहिए और सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है वह दूध और दही में ही होता है, पर्याप्त मात्रा में वह होता है। अतः इनका नियमित सेवन करना चाहिए। नियमित यानी हमेशा इसका सेवन करना चाहिए। प्रोटीन हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। विकास यानी हमारा ग्रोथ, जो शरीर का जो ग्रोथ है, जो विकास होना चाहिए, उसके लिए प्रोटीन जो है वह सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कौन सी चीजें हमें खानी चाहिए और कार्बोहाइड्रेट क्या देता है हमें? शक्ति प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट। अगर वस्तुएं खाते हैं हम लोग चीजें, तो उनमें गेहूं आता है। ये देखिए गेहूं है, चावल है, गुड़ है, हरी सब्जियां हैं, फल है, ठीक है, चीनी है, और गुड़ और जो मूंगफली जो खाते हैं उसमें भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। चावल है, बाजरा है, चावल की रोटी, बाजरे की रोटी बनाई जाती है, गेहूं की से चपाती बनती है, उससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और यस, हाँ, मक्का भी, जो कॉर्न खाते हैं हम लोग, उससे भी बड़ा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और इस सीजन में खाना चाहिए हमें मक्का, उससे उसकी भी रोटी बनती है, मक्के की रोटी है। और एक और चीज मैंने बताया था कि खीरा बहुत ही लाभकारी होता है, खीरा यानी ककड़ी, और उसमें 96% जो है वह पानी भरा रहता है। और वो अधिकतर हमें कब? गर्मियों की सीजन में खाना चाहिए। वे हमारी आंखों के लिए बहुत ही उपयोग होता है, ठीक है। और जो सलाद है वो हमें खाने, जब खाना खाते हैं उस वक्त हमें वो सलाद के रूप में खाने चाहिए। प्याज, टमाटर, खीरा, गाजर, मूली, ये सारी चीजों का समावेश हमारे शरीर में होना चाहिए। आगे नेक्स्ट में आइए, टेक्स्टबुक ओपन की हम लोगों ने, हाँ, नेक्स्ट है हमारा पोषक तत्व वसा या चर्बी। वसा या चर्बी, तो उस चर्बी में, उस वसे जो खाने की चीज है उसमें कौन कौन से वस्तुएं आती है वो देखेंगे। वसा शरीर को शक्ति और ताप प्रदान करती है, यानी शक्ति प्रदान करती है। तो वसा के कौन कौन से है? दूध है, ये देखिए यहाँ पे पेज नंबर 26 में है। वसा हमें दूध, मक्खन, घी, वनस्पति तेल, आपको बॉटल दिख रही होगी यहाँ पे, ये वनस्पति तेल जो कि हम खाने में, खाना बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, अंडे, बादाम आदि से प्राप्त होता है। तो ये सारे चर्बी युक्त है, ठीक है। अधिक मात्रा में वसा खाने से, अगर हम ज्यादा भी खाते, बहुत हद से ज्यादा इसे अगर खाते हैं, तो ये शरीर में एक जगह जमा हो जाता है, जमा यानी इकट्ठा हो जाता है। ऑयली चीजें हम ज्यादा खाते हैं, तो यहाँ पे आपको घी दिख रहा है, घी तो हमें खाना ही चाहिए, वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जो हमारे शरीर में उसमें तेल का निर्माण होता है हड्डियों में, तो ये खाना ही चाहिए, लेकिन अधिक भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन अधिक खाने से क्या होता है, जब शरीर में वसा की कमी हो जाती है,
मान लो हमारे शरीर में चर्बी की कमी होती है, तब जाके जो हमने बहुत अधिक खाया होता है ना, ये दूध मक्खन अंडा तेल वगैरह, तब जाके ये वसा काम करता है। समझ में आया? तो ये जमी हुई वसा हमें शक्ति प्रदान करता है। तब हम एक्स्ट्रा खा लेते हैं, बहुत अधिक खा लेते हैं, ठीक है, तो इसका कोई नुकसान नहीं है खाने से। जब हमारे शरीर में चर्बी जब कम हो जाती है, ठीक है, तब ये सारी चीजें तब हमें उपयोगी पड़ती है। अंडरस्टैंड अभी थोड़ा बहुत? हाँ, जो मीट, जो चिकन वगैरह रहता है, जो मटन वगैरह जो रहता है, उसमें चर्बी होती बहुत अधिक रहती है। तो एक लिमिट तक खाना है, खाना है लेकिन एक लिमिट तक खाना है। लेकिन अगर हमारे शरीर में चर्बी कम पड़ती है, बहुत कमजोर फील हम करते हैं, तब ये सारी चीजें हमारे शरीर को उपयोगी होती है। नाउ अंडरस्टैंड? हाँ, और जरा जोर से बोला करो, मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में आइए। अभी विटामिन के बारे में जानेंगे, लेकिन विटामिन वन बहुत सारे प्रकार है। विटामिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन में विटामिन का होना बहुत आवश्यक है। आवश्यक का दूसरा अर्थ क्या है? जरूरी, बहुत ही जरूरी है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से हैं वो प्रकार? विटामिन ए, सबसे पहले दिया है आपकी बुक में विटामिन ए। तो विटामिन ए में लेकिन एक एक करके हम जानेंगे। विटामिन ए में है हमारा दूध, मक्खन, ये रहा बटर हमारा, जो कि हम ब्रेड पे लगाते हैं, चपाती में लगाते हैं, पाव भाजी बना रहे तो मम्मी उसमें ढेर सारा डाल देगी, ठीक है। फल, गाजर, गाजर वगैरह, आपको ये वाला नीचे चित्र दिख रहा होगा, ये देखो विटामिन ए में फ्रूट्स दिए हुए, देखो सारे नीचे बॉक्स में दिख रहे हैं ना। हाँ, तो फल, गाजर और हरी सब्जियां में पाया जाता है विटामिन ए। सारी सब्जियों में, याद रखो, सारी सब्जियों में, फलों में, दूध में, मक्खन में ये विटामिन ए पाया जाता है। अभी उस विटामिन ए की चीजों को खाने से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से आंखें कमजोर हो जाती है, जिस वजह से हमें चश्मा लग जाता है। तो चश्मा नहीं लगना चाहिए ना, नहीं लगना चाहिए, तो उसके लिए हमें सारी चीजें ये जो है वो खानी चाहिए, ठीक। यही विटामिन हमें संक्रामक रोगों से भी बचाता है। संक्रामक रोग यानी जो जो ऐसे जीव हवा और छूने से फैलने वाले रोग, जो हवा में फैले रहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, तो ऐसे रोग हमारे शरीर में आ जाते हैं, तो उससे हमें यह बचाता है विटामिन ए की। अगर ये सारी वस्तुएं खाएंगे, ये चीजें खाएंगे, तो हम बच सकते हैं संक्रामक रोगों से। अब तक कोई डाउट? संक्रामक रोग यानी जो हवा में घूमते हैं, जो बहुत ही छोटे होते हैं जीव, जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर वो हमारे शरीर में चले जाते हैं, ठीक है, तो यह इससे बचा जा सकता है अगर हम ये सारी चीजें खाते हैं तो। नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी। ए हो गया, अभी बी। ये विटामिन गेहूं, जौ, चावल आदि में पाया जाता है। ये रहा गेहूं में, ज्वार यहाँ पे नहीं है पिक्चर मेरे पास, जो जौ है जो यानी ज्वार, चावल आदि में विटामिन बी होता है, ठीक है। यह भोजन के पाचन में सहायता करता है, यानी डाइजेशन करता है। अगर ये हम गेहूं खाते हैं, ज्वार की रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो हमारा ये डाइजेशन करता है, पाचन यानी डाइजेस्ट करता है। इसकी कमी से जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रही है जीभ। अगर हम इसको नहीं खाएंगे, चावल, गेहूं, ज्वार वगैरह, तो छाले यानी ये देखो मुंह पे फोड़े आ जाते हैं, यानी शरीर में जो है वो गर्मी बढ़ जाती है, कमी होने के वजह से, हमारे शरीर में कमी होने के वजह से, विटामिन बी की कमी होने की वजह से ये छाले ऐसे आ जाते हैं। तो हम उससे बचने के क्या क्या करते हैं? पानी ज्यादा पीते हैं, विटामिन बी की गोलियां लेते हैं और कुछ ना कुछ दवाइयां मुंह पे लगा लेते हैं, ताकि वो छाले कम हो जाए, है।
तो हमें अगर हम अधिक पानी पिएंगे ना तो ये सारी तकलीफें नहीं होगी हमें, हमारे शरीर में गर्मी नहीं होगी। तो एवरीडे जौ की रोटी, गेहूं की रोटी, चपाती वगैरह हमें खाना ही है, एवरीडे शामिल करना ही है, सुबह या फिर रात को एक टाइम। तो नेक्स्ट आइए विटामिन सी में आइए, ए बी सी में आइए। ये विटामिन खट्टे फलों, जो खट्टे रहते हैं फल, ये देखिए आप अंदाजा लगा सकते हो कौन कौन से वो खट्टे फल होते हैं। हाँ, संतरा होता है, नींबू होता है, आंवला होता है, टमाटर जो कच्चे, हाँ कच्चे, जो थोड़े कच्चे थोड़े पक्के रहते हैं, थोड़ा बहुत कट्टा रहता है, तथा अंकुरित दालों में जो डालें रहती है वो अंकुरित, यानी जब उसको भिगो के कपड़े में बांधा जाता है ना तो उसमें से ये निकलती है, कोम बोलते हैं उसको, तो वो जब उसको अंकुरित कहते हैं उसको, तो जब वो निकलती है अगर वो खाते हैं तो विटामिन सी की कमी हमें नहीं होती और दालों में भी नहीं पाई जाती। इसकी कमी से मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, ये देख रहे हैं आपको दांत दिख रहे हैं। अगर हम ये सब नहीं खाएंगे, नींबू, संतरा, टमाटर, आंवला, खट्टी चीज भी खानी चाहिए, हम सोचते हैं कि खट्टी चीज हमें नहीं खानी चाहिए, नहीं बिल्कुल गलत, ये भी खाना चाहिए। अगर ये खाते, अनार के दाने भी दिख रहे थे वहां पे, है ना, अगर हम नहीं खाते तो हमारे जो मसूड़े हैं दांत के ऊपर क्या होता है, मांस होता है, वो कमजोर हो जाता है अगर हम खट्टी चीज नहीं खाते तो। तो खट्टी खट्टी चीजें भी है, उसका भी थोड़ा बहुत समावेश होना चाहिए हमारे शरीर में, सारा चीज मीठा फीका नहीं होना चाहिए, खट्टा भी होने चाहिए, हमारे शरीर को सारे पोषक तत्व मिलने चाहिए, खट्टा मीठा तीखा नमकीन ये सारी चीजें है। ओके, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, खट्टे फल भी हो गए। अब नेक्स्ट में आइए विटामिन डी पे आइए। यह विटामिन हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत रखने के लिए आवश्यक है। इसका सबसे अच्छा स्रोत धूप है, ये तो पता ही है आप लोगों को, सुबह हम सैर करने जाते हैं, हाँ ताजी ताजी हवा हम लेते हैं, और सूर्योदय जब होता है तो जो किरणें पड़ती है वो किरणें जो है वह सुबह सुबह की जो कोमल किरणें होती है वो हमारे शरीर को लेना जरूरी है। आपको चित्र दिख रहा है वहां पे, हम क्यों बोलते हैं वो सनलाइट लो, सनलाइट में थोड़ी देर खड़े रहो, क्यों, क्योंकि जो सूर्य है उससे हमें विटामिन डी मिलता है, हमारे दांतों को और हड्डियों को वो मजबूत करता है। आपको चित्र दिख रहा है यहाँ पे, इसका सबसे अच्छा स्रोत धूप है, यह हमें दूध से भी प्राप्त होता है। मछली वगैरह दिख रही है आपको, मक्खन दिख रहा है या फ्रूट्स है, दूध है, तो विटामिन डी में ये सब कुछ आ गया है ना। ओके, विटामिन ए में क्या क्या आता है बता सकते हो आप में से कोई? सब्जियां आती है, सारे फल सब्जियां आते हैं और दूध और मक्खन उसमें आ जाता है विटामिन ए में। अगर हम नहीं खाएंगे विटामिन डी ए की चीजें तो क्या होगा, हमारी आंखें कमजोर होगी, हरी सब्जियां नहीं खाएंगे तो हमारी आंखें कमजोर होगी और वे जो रोग है संक्रामक रोग वे हमारे शरीर में आ जाएंगे। अगर अगर उससे बचना है तो उसे सारी चीजें हमें ये खानी है। विटामिन बी में गेहूं, जौ और चावल, ये विटामिन बी में आते हैं, ठीक है, और अगर ये नहीं खाते ये सारी चीजें तो हमारी जीभ पे जो है वह छाले आ जाते हैं, फोड़े आ जाते हैं, हीट हो जाती है हमारे शरीर में, फिर जिसको कम करने के लिए हम ये सारी चीजें हमें खानी चाहिए। देन विटामिन सी, यानी विटामिन सी यानी समझ लो अपने दिमाग में रख लो कि खट्टी चीजें, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, आंवला वगैरह, नींबू वगैरह, जो हम लोग नींबू शरबत बना के पीते हैं, पसंद है अभी नींबू शरबत, जो जूस पीते हैं संतरे का जूस, आंवला खाते हैं हम लोग, आंवला खट्टा रहता है लेकिन बड़ा ही मस्त रहता है खाने में,
और वो हमें जो पेट को भी साफ करता है, अगर हम आंवला खाते हैं तो चूर्ण के रूप में, अगर वो नहीं खाएंगे तो हमारे जो टीथ है, जो हमारे दांत है और जो हमारा मसूड़े है ऊपर के, वो कमजोर हो जाते हैं। तो हमारे शरीर को तीखा, मीठा और नमकीन और कड़वा, ये चारों स्वाद हमारे शरीर में होने चाहिए, उसका रस हमारे शरीर में होना चाहिए। अंत में मैंने क्या बताया, विटामिन डी। तो विटामिन डी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? धूप। यस, धूप और दूध। दूध, धूप और दूध से हमें विटामिन डी मिलता है और हमारे हड्डियों को और हमारे दांतों को क्या करता है, वह मजबूत करता है ना। आगे आइए, इतना समझ में आया? ए बी सी डी। वेरी गुड, वेरी गुड। अंतिम है, अंतिम नहीं, एक और है, खनिज लवण, यानी जो मिनरल्स होते हैं, आप इंग्लिश में बोलते हो मिनरल्स, ठीक है। तो ये इसमें कौन कौन सी चीजें आती है? तो खनिज लवण हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक है, यानी मिनरल्स जो है वह हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। हमारे शरीर को क्लोरीन, ये देखिए यहाँ पे, हमारे शरीर को क्लोरीन, आयोडीन और लोहे की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है, यानी नमक हमारे शरीर में, ठीक है, क्लोरीन और लोहे की जो मात्रा है, आयरन की जो कमी होती है, अगर ये सारी उससे जुड़ी हम अपने शरीर में खाते हैं, जो मान लो ग्रीन सब्जियां जो है, जो काला नमक है, वो सारी चीजें अगर हम लेते हैं अपने शरीर में, तो मुख्य रूप से ये क्या करता है, ये हमारे शरीर में बहुत जरूरी है, आयोडीन, हरी सब्जियां और उसके बाद क्लोरीन। क्लोरीन हमें नमक से मिल जाता है, जो हम सब्जियों में वगैरह नमक इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें क्लोरीन मिल जाता है। आयोडीन और लोहा हरे पत्तियों वाली सब्जियों में मिल जाता है, जो हम मेथी, पालक वगैरह खाते हैं, लाल सब्जी वगैरह खाते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, लोहा का अंश उसमें रहता है, लोहयुक्त वह रहता है। आयोडीन भी उसी पत्तियों वाली सब्जियों से ही हमें मिलता है, जो कैबेज वगैरह है, पालक, सबसे ज्यादा पालक में होता है, ठीक है। तो वो हरी सब्जियां जो है, पत्तियों वाली सब्जियां, उनसे हमें आयोडीन और लोहे की मात्रा मिलती है, तो इसी को खनिज हम लवण कहते हैं, मिनरल्स। हमारे खून का लाल रंग उसमें पाए जाने वाले लोहे के कारण ही होता है। हमारे शरीर में जो खून होता है वो लाल रंग का होता है, तो किस वजह से, उस लोहे की वजह से ही, जो लोहयुक्त हम भोजन खाते हैं, पत्तियों वाली सब्जियां, आयोडीन की जो कमी रहती है, नमक वाली जो चीजें हम खाते हैं, तो ये किस वजह से बढ़ता है, लोहे की मात्रा के वजह से ही बढ़ता है, ठीक है। खनिज लवण, समझाया हुआ, समझ में आ रहा है आपको? गुड। और ये ध्यान रखते ही जाना, मेरा लिंक तो रहेगी आपको देखने के लिए, अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो आप दोबारा देख सकते हो, आपको पिक्चर्स के थ्रू याद आएगा कि हाँ मैम ने आपको ये बताया था, ठीक। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पेज में आइए। कैल्शियम और फॉस्फोरस, अब ये क्या है? कैल्शियम और फॉस्फोरस भी लवण है, यानी ये भी लो युक्त है, जो हमारे दांत और हड्डियों को मजबूत रखते हैं। आपको तो पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारा दूध है, कि हमें दूध तो पीना ही है ना। दूध पीने के लिए हम नाक चढ़ाते हैं, चढ़ाना नहीं है, हमें दूध पीना है। इसी से हमें कैल्शियम मिलता है और फॉस्फोरस भी मिलता है, हड्डियों को मजबूत करता है। कमजोर महसूस होते हैं, हमारे पैर वगैरह दर्द होते हैं ना, तो अगर वो दर्द ना हो, शरीर को ताकत मिले, तो उसके लिए हमें दूध एवरीडे थोड़ा क्यों ना हो हमें पीना ही चाहिए, एवरीडे पीना है। गुड। जिन बच्चों को ये पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते, पर्याप्त मात्रा यानी अधिक नहीं मिल पाता, सही मात्रा में दूध नहीं मिल पाता हमको, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो ये आपको बताया जा रहा है कि हमें दूध पीना ही है,
कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए, वरना बहुत हम लोग वीक फील करते हैं, कमजोर फील करते हैं। हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे अपने हाथों से, अपने पैरों से, दो कदम भी नहीं चल पाएंगे अगर हड्डियां पूरी तरह से कमजोर हो गई तो। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस मुख्य रूप से दूध में ही मिलते हैं, इसलिए बार बार मैं दूध ही आपको कह रही हूँ कि दूध ही पीना चाहिए, सबसे ज्यादा उसी में कैल्शियम और फास्फोरस रहता है, इसलिए बच्चों को पर्याप्त मात्रा में दूध पीना चाहिए, अधिक पीना चाहिए। खाना भी खाओ लेकिन दूध भी पियो। आगे लास्ट और अंतिम है तत्व जल, यानी जल का पर्यायवाची पानी। यस, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे शरीर में, हमारे शरीर को ठंडा रखने के लिए ये पानी, ये जल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल भी हमारे जीवन का एक अंग है, यह हमारे शरीर का एक अंग ही है पानी। बिना पानी के हमारे शरीर में हम जिंदा भी नहीं रह सकते। पानी का अंश, दिन में 8 और 10 ग्लास जल अवश्य पीना चाहिए। अभी कितने ग्लासेस पीना चाहिए वो यहाँ पे दिया, 7 से 8 ग्लासेस हमें पानी पीना चाहिए। 1-2 ग्लास अगर पीते हो ना तो एक दूसरे दिन आपको पता चलेगा कि आपको तबीयत ठीक नहीं लगेगी, आपका पेट खराब जैसे लगेगा, हीट हीट फील होगी, मुंह में छाले आएंगे, कमजोरी आएगी, प्यास लगेगी आपको ज्यादा, तो हमें पानी पीते रहना चाहिए। जल के अभाव में कब्ज की शिकायत हो जाती है, ये देखो यहाँ पे दूसरा चित्र दिख रहा है, आदमी ने पेट पकड़ा हुआ है, यानी उसको एसिडिटी हो गई है क्योंकि उसने पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पिया है, इसीलिए उसको कब्ज की शिकायत हो रही है। क्योंकि अगर पानी नहीं पी रहे तो आपका जो भोजन किया हुआ है वो डाइजेस्ट कैसे होगा, है ना, तो उसको पचाने के लिए हमें पानी पीना अवश्य। खाना खाने के आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद आप पानी पिए तो आपका डाइजेशन जो है वह, जो पचन क्रिया है आपकी खाने की, वह अच्छे से पचेगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे ज्यादा हमें गर्मियों में महसूस होती है पानी पीने की, तो हम लोग खाना कम खाते हैं और लिक्विड ज्यादा पीते हैं, जूस वगैरह, है ना, खाना नहीं खाया जाता ज्यादा लेकिन हम पानी पीते जाते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है वो बहुत ही तेज होती है, गर्मी तापमान बहुत अधिक होता है तो वो हमारे शरीर को क्या करता है, झुलसाता है, हम थक जाते हैं तुरंत, एनर्जी नहीं रहती। वही अगर हम पानी पी लेंगे, ग्लूकोन डी थोड़ा पी लेंगे तो शरीर को हमारे क्या कर देगी, वो ताकत दे देगी। आया समझ में इतना? यस मैम। अगला और लास्ट वाले पैराग्राफ में आइए। अभी हमारे भोजन में ऊपर बताए गए सभी पदार्थ जब सही मात्रा में उपलब्ध हो, तो जो भी आपको मैंने स्लाइड्स दिखाई यहाँ पे, जो सारे फ्रूट्स दिखाए, जो वेजिटेबल, दूध वगैरह सब दिखाया, अनाज वगैरह, तो इनका इक्वल समावेश होना चाहिए हमारे शरीर में। वो ज्यादा वो कम कर दिया तो भी बीमारी आ जाती है, कमी महसूस होती है, तो सही मात्रा में ये सारे पदार्थ हमारे शरीर में होने चाहिए तो हमारा भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। तभी जो भोजन हम लेते हैं इक्वल, अगर सभी बैलेंस लेते हैं तभी वह संतुलित रहेगा, यानी बैलेंस रहेगा हमारा शरीर, इसीलिए कहा जाता है बैलेंस फूड, हमारे शरीर में करेक्ट बैलेंस फूड होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हमारा भोजन संतुलित होने के साथ साथ स्वच्छ भी होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, हम जो खाना खा रहे हैं वो साफ है या नहीं, स्वच्छ है या नहीं। अभी जैसे मम्मी सब्जियां काटती वगैरह है तो उसको धो के वगैरह सब कुछ अच्छे से करके सब्जी बनाती है, हैंड वॉश करती है अच्छे से पहले, उसके बाद सब कुछ खाना बनाना शुरू करती है। यस 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 मैम। हाँ, और हम जब खाना खाते हैं तो अच्छे से हाथ धोते हैं, उसके बाद सब कुछ अच्छे से रख के फिर हम लोग खाना परोसते हैं, फिर खाने को ग्रहण करते हैं, क्या उसी गंदे हाथ से हम उस खाने को नहीं छूते, उस भोजन को नहीं छूते, तो हमें स्वच्छता के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कीटाणु अगर हमारे पेट में जाते हैं तो फिर हमें पेट की प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर उसको दवाई वगैरह खाओ, इससे बेटर है हम
हमें स्वच्छ रहना चाहिए, स्वच्छ स्वच्छता पे ध्यान हमारा ज्यादा होना चाहिए। भोज्य पदार्थों को हम सदैव ढककर रखना चाहिए, जो भी पदार्थ जो भी व्यंजन मम्मी बनाती है माता बनाती है उसे ढककर रखना चाहिए, कभी भी ढका हुआ खाना खाना चाहिए। यस ये देखो आपको कंटेनर में दिख रहा है, यहाँ पे सब्जियों को ढक के रखा हुआ है, जो खाना बनाया जाता है उसको ढक कर रखना चाहिए, तभी वो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, वरना उसमें जीव जंतु गए तो वो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। ढकी हुई बोला जाता है ना, ढकी हुई चीजों को खाना चाहिए, जहाँ मक्खियां वगैरह गंदे चीज जहाँ चीजें रहती है गंदी चीजें उस पर मक्खियां भिन आती रहती है, तो ऐसा ना हो तो उसके लिए हम सब चीज ढक कर रखते हैं ताकि उसमें कुछ कीड़ा वीड़ा कुछ ना चला जाए, कुछ मक्खियां ना चले जाए, कीटाणु ना चले जाए, तो सेफ्टी बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड? यहाँ पर एक और मेरे पास चित्र है, ये देखिए कि यहाँ पे एक आदमी आपको दिख रहा है, वो ना पैदल चलिए करके लिखा है, क्या फायदे है पैदल चलने के, कि दिमाग हफ्ते में 2 घंटे चलने से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा 30% घट जाता है, इसलिए चलना बहुत जरूरी है। हड्डियां हफ्ते में 4 घंटे चलने से हिप फ्रैक्चर का खतरा 40% तक कम हो जाता है, यानी ये फायदे दिए कि हमारे शरीर में क्या क्या हो सकता है अगर हम चलते जाते हैं, बार बार हम अपनी बाइक यूज करते हैं, यहाँ से कॉर्नर तक जाना है तो बाइक यूज करते हैं, क्यों करना है भाई, जब भगवान ने हमें 2 पैर दिए तो अपने पैरों का फायदा उठाइए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए, तो व्यायाम भी हो जाएगा, एनर्जी हमको मिल जाएगी और भूख लगेगी हमें। और देखिए यहाँ पे रोज रोज 20 से 30 मिनट चलने से मोटापे का दर 50% खत्म हो जाता है, जो चर्बी रहती है ना हमारे शरीर में उसको भी वह कम कर देता है, तो कोशिश कीजिए ज्यादा चलने की, इन दिनों नहीं जब कोरोना आपका खत्म हो जाएगा ना तब, ठीक, अंडरस्टैंड चलने के फायदे। हाँ लास्ट स्लाइड है आपके यहाँ पे, यानी सुविचार दिया है, सुविचार है ये गौतम बुद्ध द्वारा सुविचार दिया गया, क्या कि हर व्यक्ति अपना स्वास्थ्य खुद ही बनाता है, जो हर एक व्यक्ति है वह अपना जो स्वास्थ्य जो अपना हेल्थ है वो उस पर डिपेंड होता है कि वह अपना हेल्थ किस तरह रखता है, ठीक है, स्वस्थ शरीर ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है, गिफ्ट है, अगर हम अपने शरीर को अच्छा रखते हैं तो ही हमारा शरीर जो है वह स्वस्थ रहता है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है यानी दौलत है, अगर हमारा शरीर ही साथ नहीं देगा तो काम करके क्या फायदा, पैसे कमा के क्या फायदा, पढ़ लिख के क्या फायदा, अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख रहे फिट नहीं रख रहे तो कोई भी फायदा नहीं है, तो यही बताया कि अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, अगर हम स्वस्थ रखेंगे तो हमारा दिमाग भी तेज बन सकता है, तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है, मेंटली प्लस फिजिकली दोनों तरीके से हम तैयार रहते हैं। अंडरस्टैंड? उसी के साथ साथ Did you understand? इसमें कोई डाउट है आपको? No doubt. No doubt.